खबर लखीमपुर से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान कई बार समाजवादी पार्टी और भाजपा के लोग आमने सामने दिखाई दिए, साथ ही साथ जमकर नारेबाजी हुई। बैरिकेडिंग के रखी गई स्लाइडिंग को भी लोगों ने गिराकर शक्ति प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों गुटों को अलग कर चुनाव नामांकन संपन्न कराया। समाजवादी पार्टी से अंजलि भार्गव और भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश भार्गव ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान दोनों पार्टियों के विधायक और पूर्व विधायक सहित जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। हमारे संवाददाता आमिर रजा ने भी इसका जायजा लिया। आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि कई बातें निकल कर आई जो मैंने कल प्रेस में कह दिया था, उन्हीं बातों को दोहराने से कोई मतलब नहीं। वो बातें सत्य हैं। जिस तरीके से जिला पंचायत मेंबरों को प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा निरंतर धमकी दी जा रही, उनके परिजनों को धमकाया जा रहा है, उनके यहाँ अधिकारी जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, ये जो है सही बात है। इस बात को हम लोगों ने कल प्रेस में दे दिया। आज कलेक्ट्रेट गेट पर काफी गहमा गहमी है। मौका है जिला पंचायत के नामांकन का। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आज नामांकन कराने के लिए आएंगे। जिलाधिकारी द्वारा लखीमपुर में धारा 144 लगा दी गई, लेकिन हम आपको नजारा दिखा रहे हैं। ये खेमा है समाजवादी पार्टी का, जहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नामांकन हो चुका है। अभी आधा घंटा पहले लगभग ये सैकड़ों लोगों की संख्या में ये लोग अभी आए थे, और तमाम जो धारा 41 की बात करें या सोशल डिस्टेंस की बात करें या कोरोना काल की बात करें, तमाम तरीके के नियम कानून यहाँ पर फेल थे। वही नजारा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का काफिला हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर विधायक भी हैं, कई विधायक मौजूद हैं यहाँ पर, और संगठन के लोग मौजूद हैं। इतने जिम्मेदार लोगों होने के बावजूद हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोविड का पालन नियम है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, धारा 144 का उल्लंघन किया जा रहा है। या ये कहिए कि सत्ता के लोगों ने सिर्फ इस गेट के ऊपर, यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने सिर्फ गेट पर ही धारा 144 लागू की है, लोगों के लिए लागू की है, लेकिन इन नेताओं पर कोई धारा 144 का असर नहीं दिखाई देता है, ना इनके लिए कोई कोविड के नियम है। जबकि इस देश लगातार दो फेस में कितनी त्रासदी झेल चुका है कोविड को लेकर, लेकिन यहाँ पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। लखीमपुर से के न्यूज के लिए आमिर रजा।